नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्धमान फैंटेसी में आए हैं जो मीरा और भाईंदर में पड़ता है। और आप यहां पर मीरा रोड से भी आ सकते हैं और भाईंदर से भी आ सकते हैं, दोनों यहां से नज़दीक पड़ता है। जैसे कि हम अंदर आ चुके हैं और यहां का जो थीम है वो है सेवन वंडर, जो हमारे सात अजूबा है उसके ऊपर ये थीम है। बहुत खूबसूरत पार्क है ये, जैसे कि आप देख सकते हो कि एंट्री पे ये फाउंटेन बना हुआ है। अभी तो दिन है तो भी बंद है, लेकिन रात में चालू होता है। और ये देखिए, आपको मैंने बताया था ना सेवन वंडर के ऊपर है। और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं और कार भी है, बाइक है, सारे टॉय जो होते हैं बच्चों के लिए। और ये बहुत अच्छा पार्क है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये देखिए टॉय ट्रेन। यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय बच्चे लोग करते हैं, बच्चों लोग के लिए बहुत सारा खिलौना है। और काफ़ी बड़ा है ये पार्क, जैसे कि हम चल रहे हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लिखा है ना आई लव सेवन वंडर। तो चलिए देखते हैं। और ये जैसे कि हम पहला अजूबा देख रहे हैं जिसको ताजमहल है, जो हमारे इंडिया का है। और ये इसके पीछे है आईफिल टावर, लेकिन ये तो सेवन वंडर में नहीं आता है, लेकिन है यहाँ पर, बहुत सुंदर है। और आगे चलते हैं, ये भी है। और ये सब जैसे आप देखें, एक इंडिया का था, एक फ्रांस का था। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ब्राज़ील का है। और ये साइड में रेस्टोरेंट है जो राजस्थानी स्टाइल में है, लेकिन जब मैं आया था तब बंद था, अभी शाम को चालू होता होगा तो पता नहीं। और ये अमेरिका का, आपको पता है, न्यूयॉर्क में है, इसको लिबर्टी ऑफ स्टैचू कहते हैं। ये बना हुआ है, हम इसको राउंड ले रहे हैं एक, जिसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ा पार्क है। और यहाँ पे बहुत सारा राइड भी है, तो हम देखेंगे वहाँ पर भी जाके। ये तो हमारे पड़ोसी चाइना का है शायद, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये देखिए, और ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और यहाँ पे लेक भी है, आप लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारा मछली है जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बतख भी है। और जैसे थोड़ा पानी डार्क कलर है इसके लिए दिख नहीं रहा, लेकिन मछली बहुत है, दिख रहे हैं। जैसे खाना डाल रहे हैं तो बहुत सारा मछली आ रहा है ऊपर, ये देखो मछली बहुत है इसके अंदर, और कछुए भी है। आप आइए टाइम निकाल कर कभी घूमने के लिए, बहुत बड़ा है और आपको काफ़ी टाइम लगेगा देखने के लिए।
और ये देखिए बहुत सारा यहाँ पे राइड है, थोड़ा शाम हो चुका है, लाइट भी जल गया है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, बच्चे लोग के लिए फुल एंजॉय कर सकते हैं आप कभी भी ये पार्क में लेके आइए। और ये काफ़ी फेमस है, मुझे तो अच्छा लगा। देखिए हेलीकॉप्टर, बहुत सारे राइड है यहाँ पे। मुझे ये वाला राइड थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मैं बैठा नहीं था, मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। और ये काफ़ी म्यूजिक बजती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, लाइटिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप फुल एंजॉय कर सकते हो। और राइड तो एक से एक है, क्योंकि आपको इतने सारे राइड, इसे लगता है मेला में आ गए हो, बहुत सारा राइड एक ही जगह मिल जाता है, तो बच्चे लोग को फुल एंजॉय कर सकते हैं। और ये रात का है, मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, जिसे कि आप कभी भी आएँ तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये पार्क। ये देखिए और मैं वापस जा रहा हूँ आपको ये थोड़ा नाइट का व्यू दिखाने के लिए। मैंने कहा था ना, देखो ये रात को फाउंटेन भी चालू हो गया। आइए और घूम के जाइए, एंजॉय करके, बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये देखिए अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी स्टार्ट हो गया है। ये बाहर से है रात का व्यू। धन्यवाद।